दोस्तों सूर्ज बुलेटिन हम लेकर आ चुके हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज 26 अप्रैल 2023 का सूजस बुलेटिन दोस्तों इसमें हम महात्मा गांधी जी का क्यूटो देख लेते हैं मैं उस कला और साहित्य का पक्षधर हूँ जो जनता से जुड़ा हो महात्मा गांधी दोस्तों महंगाई राहत कैंप एक सौ इक्यासी नंबर समस्या का समाधान के लिए कॉल कर सकते हैं दोस्तों जो महंगाई राहत कैंप है वो कब से कब तक, तक लगेंगे चौबीस अप्रैल से तेईस जून तक इनमें कितनी योजनाओं का लाभ मिलेगा दोस्तों दस योजनाओं का लाभ मिलेगा तो दोस्तों ये जगह जगह हो रहे हैं महंगाई राहत कैंप को आयोजित किया जा रहा है तो देख लेते हैं कहाँ पर क्या है लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यानी कि पूरी जो दस योजनाएँ हैं उनके बारे में जान लेते हैं तो देखो देख लेते हैं सबसे पहले कि जो कृषि कनेक्शन पर 2000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली मिल रही है यानी कि उसको लागू करवाने के लिए पूरे वर्ष पर लागू रहेगी खेतों के लिए तारबंदी सिंचाई डिग्गी और विभिन्न कृषि उपकरणों पर अनुदान बढ़ाया गया है पिछले पाँच वर्षों में राजस्थान में पैदाश नए कृषि विद्यालय खोले गए हैं राहत कैंपों के जरिए लगभग एक करोड़ लोगों को न्यूनतम एक हज़ार रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन और किसानों को निशुल्क दो हज़ार यूनिट बिजली तथा घरेलू उपभोक्ताओं को सौ यूनिट तक निशुल्क बिजली राहत दी जा रही है ये मुख्यमंत्री ने बताया है कि मैंने बजट पेश करने के साथ साथ क्या पूरे पूरे राजस्थान में क्या अनूठा किया है वो बता रहे हैं निरोगी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होगा 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा महात्मा गांधी नरेगा योजना में 25 दिन अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा कथोड़ी और शहरिया जातियों और विशेष योग्यजनों को सौ अतिरिक्त दिवस यानी कि जो कथोड़ी शहरिया और जनजातियाँ हैं उनको सौ प्लस सौ यानी कि दो सौ दिन का और जो महात्मा गांधी नरेगा योजना में आते हैं उनको एक सौ पच्चीस दिन का साथ ही राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें पच्चीस लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज किया जाएगा साथ ही था दुर्घटना बीमा जो है वो दस लाख रुपये का कर दिया जो पहले पाँच लाख का था और जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वो दस का था उसको पच्चीस कर दिया है दो यूनिट इनको जारी कृषि कृषि कृषकों को दो हज़ार यूनिट फ्री दी जा रही है सौ किसे दी जा रही है घरेलु उपताओं को दी जा रही है और जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिनको मिलती है जिनको हज़ार रुपये से पहले कम मिलती थी अब उनको कितना कर दिया है न्यूनतम एक हज़ार इससे कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा एक करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा साथ ही साथ इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है उसमें पहले सौ दिन थे अब इनको कितना कर दिया एक दिन का रोजगार या फिर रोजगार बेरोजगार भत्ता दोस्तों सातवीं राजस्थान क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बना है यानी कि पाँच वर्षों में राजस्थान में 303 महाविद्यालय खोले गए जिसमें से 130 बालिका महाविद्यालय है साथ ही साथ जो ये महंगाई राहत कैंप है उसमें क्या है कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पति पशुपालक को अधिकतम दो दुधारू गोवंशीय पशुओं का 40 चालीस हज़ार का बीमा किया जा रहा है पशुपालकों को लंबी रोग से मृत दुधारू पशुओं के लिए प्रति गाय चालीस हजार रुपए का आर्थिक सहायता दी जाएगी दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट के तहत मतलब फूड पैकेट के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रति माह फूड के पैकेट दिए जाएंगे तो दोस्तों हमारी जो दस योजना है वो करीब करीब हो जाती है देखो क्या क्या कर दिया सबसे पहले हम देखते हैं दो हज़ार यूनिट बिजली कर दी चलो ठीक है किसको कर दी कृषि उपभोक्ताओं को दूसरा क्या है कि सौ यूनिट फ्री कर दी किसको कर दी घरेलू उपभोक्ताओं को तीसरा क्या है पच्चीस लाख का मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना कर दिया चौथा क्या है दस लाख का दुर्घटना बीमा कर दिया पाँचवा क्या है हजार से कम जो है क्या दे दिए हज़ार से कम इन्होंने मतलब हजार से कम जो इनको पेंशन मिलती थी, थी लोगों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आते थे, थे उनको हज़ार मिनिमम कर दिया है साथ ही साथ और क्या कर दिया है जो छठे नंबर पर देखते हैं चालीस चालीस हज़ार किसके लिए देंगे दो पशुओं के लिए किस योजना के तहत मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के लिए तहत सातवां क्या है पाँच सौ का सिलेंडर कर दिया जो किसके तहत आते हैं दोस्तों जो ग्यारह सौ पचास का था सिलेंडर वो कितने का कर दिया पाँच सौ का कर दिया कितनी हो गई सात हो गई आठवीं देख लेते हैं आठवीं कौन सी है फूड पैकेट दिए जाएंगे फ्री हर महीने फूड पैकेट फूड पैकेट का कर दिया आठवीं नवीं और दसवीं दो सौ नवी और दसवीं भी दस जो है वो किससे रिलेटेड है नरेगा से यानी कि जो नब्बी है यानी कि शहरी और कथोड़ी को सौ दिन सौ प्लस सौ यानी कि दो सौ कर दिया टोटल और मनरेगा में जो शहरी वाले हैं उनको एक सौ पच्चीस दिन और ग्रामीण वाले को दस नंबर पर एक सौ पच्चीस दिन पहले सौ मिलता था अब एक सौ पच्चीस दिन और बढ़ा दिया तो कितने हो गए एक सौ पच्चीस दिन हो गए तो दोस्तों इस तरीके से दसों योजनाएँ हमारी हो जाती है नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी मुख्य सचिव कौन है श्रीमती उषा शर्मा हमारी मुख्य सचिव है महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम है उनमें विद्यालय में बच्चों को भेजें और अपना भविष्य सुधारें क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों अभी ये देखो फोटोज़ दिखाई गई है किसकी राहत की मुस्कान दोस्तों राहत की मुस्कान क्यों बोलिए कि क्योंकि जो महँगाई राहत कैंप है उनमें ये लोग आ रहे हैं अपना फ़ायदा ले रहे हैं अपनी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं और ये उनकी राहत की मुस्कान है इस तरीके से इसको पोर्ट्रेट किया गया है तो सबका ये हो गया फिर नेक्स्ट देखते हैं जहाँ जहाँ भी महंगाई राहत कैंप हो रहे हैं वहाँ पर लोगों की फ़ोटो खींची जा रही है कि किसको क्या लाभ मिला ये सब हो गया फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बढ़ते हैं नीचे तक आते हैं फिर देख लेते हैं दोस्तों जो एम केंद्र है क्या है दोस्तों एमएसएमई सुविधा केंद्र शिविर 28 अप्रैल को आयोजित होंगे राज्य सरकार के निर्देश के अनुरूप भीलवाड़ा के जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र में 28 अप्रैल को एमएसएमई सुविधा शिविर आयोजित किया जाएगा दोस्तों कहाँ किया जाएगा भीलवाड़ा में किया जाएगा कहाँ पे भीवाड़ा के जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र में किया जाएगा नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री दोस्तों इसमें क्या होगा इसमें क्या दी जाएगी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी कौन कौन सी योजनाएं मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना डॉक्टर भीम कर, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना महा प्रधानमंत्री रोजगार का सृजन कार्यक्रम उद्यम पंजीयन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम दो तो हजार उन्नीस राज उद्योग मित्र असिल्पीय बुनकरों के पंजीयन उद्योग विभाग की जानकारी और योजनाओं की जानकारी देगी यानी कि जो एम एस एम ई है सिविल लगाया जाएगा अट्ठाईस अप्रैल में उसमें से जो उद्योग से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेड योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी दोस्तों इसके लिए निःशुल्क आवेदन तैयार करवाए जाएंगे ये हमारा हो गया ठीक है इसी के साथ दोस्तों राज्यपाल ने सुश्री अपूर्वी चंदीलाल को विद्यापारिधि की मानद उपाधि दी दोस्तों राज्यपाल के कुलाधिपति कौन है श्री कलराज मिश्र ये राज्यपाल भी है और कुलाधिपति भी है यूनिवर्सिटीज के तो इन्होंने जो राजस्थान के निचनेबाज है अपूर्वी चंदेला उनको विद्यावारिदी की मानद उपाधि दी है दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्यावारिदी की उपाधि किसे दी गई है तो हमारी कौन है निशानेबाध अपूर्वी चंदेला को दी गई है साथ ही साथ क्या है नेक्स्ट चीज कि जो सुश्री चंदेला को जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से ये उपाधि दी गई है बस इतना सा इंपॉर्टेंट है ने देख लिया कि भाई किसने दी है संस्कृत विद्यालय जयपुर वाले ने जयपुर से मिली है किसने दी है राज्यपाल ने दी है और जो ये राजस्थान के किसको मिली अपूर्वी चंदिला निशानेबाज को मिली है दोस्तों साथ ही साथ हम देखते हैं दोस्तों एसडीजी इंडेक्स आता है एक एसडीजी क्या होता है सतत विकास इंडेक्स यानी सतत विकास लक्ष्यों की आपूर्ति के लिए एक इंडेक्स आता है एस तो हमारी उषा शर्मा जो मुख्य सचिव है उन्होंने बोला है कि भैया एस में हमें अब लाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है तो दोस्तों इसके लिए वो बोल रही है कि हमें विज़न तैयार करना है ड्राफ्ट तैयार करने हैं फीडबैक्स देने हैं विज़न डॉक्यूमेंट 2030 का आयोजना विभाग को दस मई तक भेजेंगे तो दोस्तों एस इंडेक्स है उसके लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार राजस्थान एस स्टेटस रिपोर्ट दो जाते। और राजस्थान एस इंडेक्स दो का अनुमोदन किया गया है इस बैठक में यानी एस डी इंडेक्स के लिए क्या है इन्होंने एक बैठक करी थी जिसमें ये क्या है ये इंडेक्स और स्टेटस रिपोर्ट अनुमोदित की है दोस्तों इसी के साथ हमारा देख लेते हैं जॉब फेयर के बारे song, Fair, में राजस्थान मेगा जॉब फेयर ये बांसवाड़ा में आयोजित किया जाएगा चौबीस अप्रैल से किया जाएगा दो जॉब फेयर में क्या होता है सात हज़ार से ज़्यादा अवसर मिलेंगे जो रोजगार के छः से ज़्यादा सेक्टर की पच्चीस से अधिक कंपनियाँ आ रही है ये कहाँ किया जाएगा गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में बांसवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय गोरु गोविंद गुरु में आयोजित किया जाएगा दोस्तों इसी के साथ हमारा बुलेटिन समाप्त होता है यह कैसा लगा जरूर बताना प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब